हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और इस चैनल का को होस्ट सीए आयुष कनोडिया आज आपके सामने फिर एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंड एस 20, दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट के कॉन्सेप्ट में समझने वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या निकल के आता है कि गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या है। तो गवर्नमेंट ग्रांट बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज, समझना क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है हमारे कैश में भी हो सकते हैं और काइंड में भी हो सकते हैं। हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंस, मदद करने के लिए आपको कुछ रिसोर्स गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर देती है, फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। और जिसके रिगार्ड में गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस अटैच कर सकती है, विद रिस्पेक्ट टू विच गवर्नमेंट में अटैच सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट जो है उस ग्रांट के रिगार्ड में कोई कंडीशंस अटैच कर सकती है। अब दूसरा पॉइंट क्या समझना आएगा कि हम इस इंड एस में क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इस इंडेक्स में पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है मेरे पास रिकॉग्निशन का, ठीक है। सेकंड पॉइंट मेरे पास आता है कि क्या कहते हैं, हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स का। थर्ड पॉइंट मेरे पास आता है, इसके अंदर एक लोन का कंसेप्ट हैगा, ठीक है। और फोर्थ मेरे पास आता है कि अगर हमारे को एक सिनेरियो डेवलप होता है जहाँ पे ग्रांट जो है हमारे को वापस करनी पड़ जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। ये चार पॉइंट्स हमारे को डिस्कस करना है विद रिगार्ड टू गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट ग्रांट के रिकॉग्निशन के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट के रिकॉग्निशन के अंदर हमारे पास कंसेप्ट आता है कि गवर्नमेंट ग्रांट को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बुक्स में ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ टू कंडीशंस। दो कंडीशंस है भैया, उनकी फुलफिलमेंट कर दोगे तो आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लो। कंडीशन नंबर वन जो कि क्या हैगी कि आपका रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए, किस चीज़ का, कि एंटिटी जो है वो कंप्लाई करेगी विद द कंडीशंस रिलेटेड टू द ग्रांट, कि जो भी ग्रांट से रिलेटेड कंडीशंस है उसको एंटिटी कंप्लाई करेगी। और कंडीशन नंबर टू क्या निकल के आ रही है, ये रीजनेबल एश्योरेंस है कि ग्रांट हमें मिल ही जाएगी, दैट ग्रांट विल बी रिसीव्ड, ठीक है। हमारे पास दो क्या कहते हैं कंडीशंस है रिकॉग्निशन करने के लिए, कि हमारे पास रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए कि एंटिटी कंप्लाई कर रही है विद द ग्रांट कंडीशंस, और ये रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए कि ग्रांट हमें मिली जाएगी। अगर ये दोनों पॉइंट्स हमारे सर्टेन हैं तो हम ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बुक्स में। और जब भी ग्रांट हमारी रिकॉग्नाइज होगी बुक्स में, तो ग्रांट जो है रिकॉग्नाइज होगी एट देयर फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होगी। मैंने कहा ठीक है। तो हमने एक कंसेप्ट डिस्कस कर लिया जो कि रिकॉग्निशन का है। दूसरा कंसेप्ट मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आता है, दूसरा कंसेप्ट निकल के आता है कि ग्रांट्स अगर हमें रिसीव होती है तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ग्रांट्स अगर हमें रिसीव होती हैं तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। मैंने कहा ठीक है, तो अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझना क्या कि ग्रांट अगर तो मुझे रिसीव हुई है, एक तो ग्रांट इस नेचर की हो सकती है कि वो कोई पास्ट में खर्चा करा है या लॉस हैगा, उसके लिए कंपनसेशन के फॉर्म में है या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट के फॉर्म में है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या कही, उसके रिगार्ड में कोई कंडीशन, कोई फर्दर कंडीशन अटैच नहीं है, नो फर्दर कंडीशन, मतलब आपको कोई फर्दर कॉस्ट भी इनकर करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहा गया, शैल बी रिकॉग्नाइज, उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ऑन अ इमीडिएट बेसिस, जब भी हमारे को रिसीवेबल होगी, कब, इमीडिएट बेसिस पे, ऑन अ इमीडिएट
बेसिस, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कशन करा कि गवर्नमेंट की ग्रांट जो कि हमारे को रिसीव हो रही है फॉर द पास्ट एक्सपेंसेस जो कि हम ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, या फिर लॉसेस जिनके रिगार्ड में गवर्नमेंट कोई भी फर्दर कंडीशन अटैच नहीं कर रही है, और ये जो आपको ग्रांट मिल रही है वो इस नेचर के लिए मिल रही है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या कंपनसेशन के देने के पर्पज़ से, तो ऐसी ग्रांट को हम इमीडिएट बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। हमने क्या कहा, इसके अलावा कोई भी ग्रांट होगी, इसके अलावा कोई भी ग्रांट होगी तो उसको रिकॉग्नाइज करा जाएगा, इसके अलावा कोई भी ग्रांट होगी तो उसको रिकॉग्नाइज करा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस। सिस्टमेटिक बेसिस मतलब कि आपका जैसे जैसे एक्सपेंस उस ग्रांट से रिलेटेड बुक होएगा, जो कंडीशन फुलफिल करनी है उस कंडीशन से रिलेटेड आपका जैसे जैसे एक्सपेंस बुक होगा वैसे वैसे आपको उससे रिलेटेड ग्रांट को भी बुक कर लेना है, ठीक है। ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड इन विच द एंटिटी रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस, एक्सपेंस रिलेटेड टू द कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या है, कंडीशन रिलेटेड टू द कंडीशन फॉर विच द ग्रांट इज इंटेंडेड टू कंपनसेट, रिलेटिंग टू द कमीशन कंडीशन और कॉस्ट फॉर विच द ग्रांट इंटेंडेड टू कंपनसेट। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या कहा कि क्या कहते हैं, ग्रांट जो हैगी जनरली हमारी कैसे रिकॉग्नाइज होगी, जनरली रिकॉग्नाइज होगी सिस्टमेटिक बेसिस पे, मतलब जनरली हमारे को उसको डेफर करना है और उसको रिकॉग्नाइज करना है जैसे जैसे उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस बुक होंगे वैसे वैसे। बट इन केस जहाँ पे आपकी कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है और जहाँ पे वो कंपनसेशन की नेचर के लिए हैगी तो उसको इमीडिएट बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस से बुक कर देंगे, ठीक है। तो और अदरवाइज हमारे को उसको डेफर इनकम के तौर पे ट्रीट करना है, और जैसे जैसे हम कंडीशंस जैसे मतलब से रिलेटेड एक्सपेंस करेंगे वो उस अकॉर्डिंगली हमारे को उसको बुक कर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास एक और बात निकल के आती है, वो ये है कि ग्रांट जो है कि मेरे एसेट के लिए मिल सकती है या फिर मेरे इनकम के लिए मिल सकती है। तो ग्रांट जो कि एसेट के लिए मिली है वो कौन सी ग्रांट होगी जो कि एसेट के लिए मिली है। बेसिकली ग्रांट देते टाइम गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो भी एंटाइटी इस ग्रांट के लिए क्वालिफाई कर रही है उसको वो एसेट जो है वो विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर बाय कर लेना है, या फिर क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट कर लेना है, या फिर हमने क्या कहा कुछ ऐसी कंडीशंस होगी कि क्या कहते हैं आपको वो उतने टाइम के अंदर अंदर क्या कर लेना, होल्ड करके रखना है, या फिर कुछ और कंडीशंस हो सकती है कि क्या कहते हैं आपको वो एसेट जो है वहीं उसी पर्टिकुलर लोकेशन है कि तो ही ग्रांट मिलेगी, ऐसी कंडीशन आपकी गवर्नमेंट अटैच कर सकती है। बट क्या कहा गया, ट्रीटमेंट तो हमारा डेफर करने वाला ही रहेगा, ठीक है, जो कि जनरली है। और उसमें भी क्या कहा हमने, हमने क्या कहा कि जब भी हमारे को ग्रांट मिलती है, जब भी हमारे को ग्रांट मिलती है विद रिगार्ड टू एसेट, ठीक है ना, तो वो वाली बात कर ली। अब हमने क्या कहा विद रिगार्ड टू जब इनकम के लिए मिलेगी तो वो कौन सी ग्रांट होगी। मैंने कहा ये नेगेटिवली एक्सप्लेंड है कि मतलब ग्रांट अगर तो एसेट के लिए नहीं मिली है तो वो ग्रांट किसके लिए मिली है, इनकम के लिए। मतलब इनकम का मतलब ये नहीं कि आपका इनकम कम हो रही है तो ही, मतलब आपको एक्सपेंसेस वगैरह के रिगार्ड में भी ग्रांट जो होती है वो इनकम वाले उसमें ही कवर होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही कि ग्रांट हमारी दो तरीके की हो सकती है, या तो इन कैश हो सकती है या फिर इन काइंड हो सकती है। अगर इन काइंड मतलब एसेट के फॉर्म में मिली तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि हमार को ग्रांट को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना, जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था, और क्या कहा एसेट को भी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है।
और क्या कहा, यही यहाँ पे पॉइंट कहा गया, नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज्ड एट द फेयर वैल्यू, जो भी होगी फेयर वैल्यू पे होगी, या फिर ऑल्टरनेटिवली क्या ऑप्शन हैगा कि उसको नॉमिनल वैल्यू, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने काटा पीटी ज़्यादा कर दी, उसको नॉमिनल वैल्यू, दोबारा दिखाता हूँ, उसको या तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, मतलब ग्रांट आप दिखाओ ही मत, एसेट को नॉमिनल वैल्यू पे दिखा दो, इसके रिगार्डिंग अभी हम क्वेश्चन भी देख लेंगे, या फिर हमारा सबसे सिंपल कंसेप्ट क्या आएगा कि ग्रांट को भी और एसेट को भी दोनों को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है। और अगर तो एक ग्रांट मिलती है किसके रिगार्ड में, अगर तो एक ग्रांट मिलती है हमारी डेप्रिशिएबल एसेट के रिगार्ड में, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या हैगा कि जैसे जैसे हमारा डेप्रिशिएबल लाइफ के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन जैसे जैसे लग रहा है, वैसे वैसे हम क्या बुक कर सकते हैं, उस ग्रांट को बुक कर सकते हैं, ठीक है, उस ग्रांट को वैसे वैसे बुक करेंगे डेफर्ड इनकम को, ठीक है। क्या कहा, अगर तो रिलेटेड टू एसेट है तो हम उसको भी पहले रिड्यूस कर सकते हैं डेफर्ड इनकम में से, और अगर तो बच जाए, स्टिल एक्स्ट्रा पे करी हमने, तो हमने क्या कहा उसको इंक्रीज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट के तौर पे दिखा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ही इंक्रीज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट के तौर पे भी दिखा सकते हैं, और जो डेफर्ड इनकम है उससे एडजस्ट नहीं करते, बट द बेटर वे इज दैट कि पहले हम डेफर्ड इनकम, जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है, उससे एडजस्ट करें, और फिर अगर स्टिल हमारे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है तो उसको इंक्रीज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट से रिकॉग्नाइज करके दिखाएं, ठीक है। एंड रिलेटेड टू इनकम से रिगार्ड में तो हमारे पास वही कंसेप्ट है कि क्या कहते हैं, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो भी हमने अभी बची हुई है पहले उससे एडजस्ट करो, और अगर स्टिल एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ग्रांट हमारे को रिफंड करनी पड़ी जो कि हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस से ही चार्ज करके दिखानी है। अब हमारे पास एक और कंसेप्ट जो कि रह जाता है वो है किस चीज़ का, कि क्या कहते हैं, अगर हमारे को लोन मिला और लोन जो मिला वो कंसेशनल रेट पे मिला, लोन जो है कंसेशनल रेट पे मिला, तो उसको डिस्कस करने वाला रह जाता कंसेप्ट। देखते हैं क्या हैगा कंसेप्ट, लोन अगर तो कंसेशनल रेट पे मिला तो ठीक है, अगर तो मेरे को कंसेशनल रेट पे लोन मिलता है तो सबसे पहली बात है कि इसमें गवर्नमेंट ने हमारे को जो प्रिंसिपल, अगर सपोज करें कि 10 लाख रुपए का प्रिंसिपल हैगा और गवर्नमेंट ने हमारे को वो 12% के रेट की जगह 5% के रेट पे कंसेशनल रेट पे लोन दिलवा दिया है, तो ग्रांट रुपए की, मतलब जो क्या कहते हैं लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है उसके उसकी नहीं मिली है, ग्रांट सिर्फ किस चीज़ की मिली है, हमारे को इंटरेस्ट की मिली है, तो हमारे को सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रांट का कितनी है, तो वो कैलकुलेट करने का हमारा प्रोसीजर हैगा कि सबसे पहले स्टेप वन क्या हैगा कि जो जो अमाउंट हम पे करेंगे गवर्नमेंट को ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम, उसको रिकॉग्नाइज करो सबसे पहले, उसको देखो कि कितना कितना, जैसे कि अगर 10 लाख रुपए हैगा उसके ऊपर 5% के हिसाब से मैं इंटरेस्ट पे करूँगा 5 साल, और 5 साल की इंटरेस्ट पे करने के बाद 5वें साल में उनको उनका प्रिंसिपल वापस भी कर दूंगा, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखनी है हमारे को एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 12% था, जब मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँगा, प्रेजेंट वैल्यू जो निकाली और जो हमारे पास क्या हैगा अमाउंट ऑफ लोन मिला है, दोनों में जो डिफरेंस हैगा शैल बी ट्रीटेड एज द गवर्नमेंट ग्रांट, शैल बी ट्रीटेड एज द गवर्नमेंट ग्रांट, और
गवर्नमेंट ग्रांट को हम डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे एंड शेल बी क्या करा जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितना टाइम पीरियड का हमारा लोन था उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हमारी वो गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे पीएनएल से। इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसे कि 50 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट थी, 5% के लोन पे मिली, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट पे मिली, जबकि मार्केट में 12% का प्रिवेल कर रहा था। तो 7% के इंटरेस्ट रेट की हमारी बेसिकली ग्रांट हैगी, ना कि पूरे प्रिंसिपल अमाउंट के 50 लाख की, और ये पेबल हैगा 5 साल के अंदर। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो कि हमारा सब हर साल कितना कितना अमाउंट पे करा जाएगा। तो हमारा हर साल पे करा जाएगा पहले साल के आखिर में 2.5 लाख रुपये, दूसरे साल के आखिर में 2.5 लाख रुपये, तीसरे साल के आखिर में 2.5 लाख रुपये, चौथे साल के आखिर में 2.5 लाख रुपये, और 5वें साल के आखिर में 2.5 लाख रुपये प्लस 50 लाख रुपये का प्रिंसिपल, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा कि इसको प्रेजेंट वैल्यू चेक करो इस अमाउंट की एट द मार्केट रेट, जो कि हैगा 12% का। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा। सैंतीस लाख 38,328, और जो डिफरेंस हैगा, डिफरेंस जो है 50 लाख और 37,38,328 के बीच में 12,61,672 रुपये, 12,61,672 शेल बी रिकॉग्नाइज एज द गवर्नमेंट ग्रांट एंड शेल बी डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉग्नाइज करी जाएगी, और इसको सिस्टमेटिक बेसिस पे ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज करा जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमारे गवर्नमेंट ग्रांट के सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, फिनिश होते हैं। ओके, डन, थैंक यू। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट हैगा उसको कमेंट करें, ठीक है। ओके, बाय गाइस।